नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल, आज आप लोगों के बीच 10th क्लास के इंग्लिश का चौथा चैप्टर का नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, अर्थात भारतीय फिल्मों के साथ क्या गलत है का भावार्थ लेकर आया हूं। तो पहले हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे, इसके बाद पूरे पाठ को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सत्यजीत रे या राय, बॉर्न ऑन मई 2, 1921, वाज ए वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 ईस्वी में हुआ था। वे भारत के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। ही अर्न्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। उन्होंने फिल्म निर्माण और निर्देशन में अपने प्रतिभा के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान को अर्जित किया। बेस्ट नोन फॉर हिज पाथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। ही वोन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स इन वेनिस, कैंस एंड बर्लिन। अपने पाथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी के लिए मशहूर, उन्होंने वेनिस, केन्स और बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कारों को जीता था। रे यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स। रे अपने फिल्मों के लिए खुद संगीत रचा करते थे। ही वॉज ऑल्सो ए स्टोरी राइटर, इल्यूस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर। वे एक कहानीकार, व्याख्याता या दृष्टांतक और एक पुस्तक चित्रकार थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फियर्ड ऑन हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री, एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपुल हैव रिसीव्ड। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी, एक ऐसा सम्मान जिसे बहुत कम लोगों ने पाया है। इन द प्रेजेंट एसे टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स। वर्तमान निबंध में जो उनकी पुस्तक हमारी फिल्में उनकी फिल्में से लिया गया है, वे हमारी फिल्मों के प्रकृति का परीक्षण करते हैं और उनके खामियों को प्रदर्शित करते हैं। ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। वे हमारे फिल्म निर्माण निर्देशन के साथ साथ उसके विषय वस्तु के गुणवत्ता के प्रति अत्यधिक समालोचक हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्जेटाइल आर्ट फॉर्म। हमारे समय के बहुत से महत्वपूर्ण घटनाओं में एक सिनेमा का विकास रहा है जो सदी के यांत्रिक खिलौने को शताब्दी के सबसे अधिक शक्तिशाली और बहुआयामी कला के रूप में बदल दिया। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रेस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आज सिनेमा उस सम्मान का अधिकारी है जो दूसरे रचनात्मक कार्यों को प्रदान किया जाता है। इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। इसमें विभिन्न उपायों के कविता के कार्य,
संगीत, चित्रकला, नाटक, वास्तुकला और छोटे बड़े दूसरी कला के समूह शामिल है। इट आल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, इसमें विज्ञान के मंद तर्क भी शामिल है। इंडिया टू का फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली, भारत ने फिल्म निर्माण का काम बहुत पहले शुरू किया। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907 एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913। पहला लघु फिल्म 1907 ईस्वी में बनाया गया और पहली फीचर फिल्म 1913 ईस्वी में। वैसी फिल्म जिसका समय अवधि 40 मिनट या इससे कम का होता है शॉर्ट फिल्म कहलाता है, और वैसी फिल्म जिसका ड्यूरेशन लंबा होता है, जिसके कहानी काल्पनिक होते हैं तथा पात्र वास्तविक होते हैं, जिसमें अभिनय और संगीत का समावेश होता है, उसको फीचर फिल्म कहा जाता है। बाय द 20s इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। 1920 ईस्वी तक यह बड़े व्यवसाय की अवस्था में पहुंच चुका था। इट इज इजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। यह संसार को कहना आसान है कि भारत फिल्म निर्माण में संख्या के दृष्टि से हॉलीवुड के बाद दूसरे स्थान पर है। फॉर दैट इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट, क्योंकि यह एक सांख्यिकीय तथ्य है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, लेकिन क्या वही बातें इसकी गुणवत्ता के बारे में कही जा सकती है? वाई आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रोड, हमारे फिल्मों को विदेशों में क्यों नहीं प्रदर्शित किया जाता है? इज इट सोलेली, क्या यह अकेला है? बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स, क्योंकि भारत अपने फिल्मों या उत्पादों के लिए एक संभावित बाजार प्रदान करता है। और आर वी जस्ट प्लेन असेंबल्ड ऑफ आवर फिल्म्स, या क्या हम लोग अपने फिल्मों पर सिर्फ शर्मिंदित हैं? टू एनी वन फैमिलियर विथ द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स द आंसर्स मस्ट कम इजली। कोई भी व्यक्ति जो उत्कृष्ट विदेशी और भारतीय फिल्मों के गुणवत्ता से संबद्ध मानक से परिचित हैं, तो जवाब आसानी से अवश्य आ जाना चाहिए। लेट अस फेस द ट्रूथ, हम लोग सत्य का सामना करें। देयर हैज येट बी नो इंडियन फिल्म्स विच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, ऐसी कोई भी भारतीय फिल्म अब तक नहीं है जिसकी हर प्रकार से प्रशंसा की जा सकी हो। वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, जहां दूसरे देशों ने प्राप्त किया है वहां हम लोगों ने केवल कोशिश की है, और वो भी सदैव ईमानदारी पूर्वक नहीं। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, निसंदेह परिपक्वता की इस कमी को अनेक कारकों के साथ संबद्ध किया जा सकता है। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटिटी द मास विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, निर्माता आपको बताएंगे उस रहस्यमय तथ्य के बारे में कि जन समुदाय ऐसी ही चीजों को पसंद करते हैं। द टेक्नीशियंस विल ब्लेम द टूल्स, टेक्नीशियन उपकरणों को दोष देंगे। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशन, और निर्देशक को बहुत कुछ उस आश्चर्यजनक चीजों के बारे में कहना होगा कि उनके दिमाग में था, लेकिन परिस्थिति के कारण वह उसे प्राप्त नहीं कर सका। इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अ कोहरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन द टाइम वॉज जनरली मिसअंडरस्टूड। भारत में ऐसा लगता था
कि उस समय में प्रचलित संबद्ध नाटकीय नमूनों की मौलिक अवधारणा को सामान्यतः गलत समझा गया। ऑफन बाय अ क्वियर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मूवमेंट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा। प्रायः तर्क की अद्भुत प्रक्रिया के द्वारा हरकत को कार्य के साथ कार्य के बराबर कर दिया गया और कार्य को भावनात्मक नाटक के साथ। द एनालॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल। हमारे मामले में संगीत के साथ समरूपता असफल हो गया क्योंकि भारतीय संगीत अधिक अचिंतनीय रचना है। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज हैड इट्स रिपरकशन ऑन द इंडियन फिल्म्स। लगभग अमेरिकन सिनेमा के प्रत्येक बीते हुए रूप का भारतीय सिनेमा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव रह चुका है। स्टोरीज हैव बीन रिटेन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस एंड द क्लीशेज प्रिजर्व विथ केयर। कहानियों को हॉलीवुड की सफलता के आधार पर लिखा गया है और विचारों को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रख लिया गया है। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन अ जेन्युइनली इंडियन वन द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड एन एप्रिसिएबल पेंचेंट फॉर द जज इडियम। यहां तक कि जहां कहानी वास्तविक रूप से भारतीय रहा है वहां भी पृष्ठभूमि का संगीत शोरगुल भरे नाच गानों के लिए अनावश्यक झुकाव की प्रवृत्ति को प्रकट करता है। इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए बैड मॉडल। ऐसा महसूस किया जाना चाहिए कि औसतन अमेरिकन फिल्म एक भद्दा नमूना है। इफ वनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विथ आवर ओन। केवल इसलिए क्योंकि यह जीवन के ढंग का हमारे जीवन के ढंग से बिल्कुल विरोधी स्वरूप में वर्णन करता है। मोर ओवर द हाई टेक्निकल पॉलिश विच इज द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशंस। इसके अतिरिक्त उच्च तकनीकी चमक जो हॉलीवुड उत्पाद के प्रमाणिकता का चिन्ह है, भारतीय परिस्थिति में प्राप्त करना असंभव होगा। What the Indian cinema needs today is not more gloss, but more imagination, more integrity, and a more intelligent appreciation of the limitations of the medium. आज भारतीय सिनेमा को ज्यादा चमक दमक वाली भूमि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अधिक कल्पना, अधिक सत्यनिष्ठता और सीमित साधनों का कुशलतापूर्वक ज्ञान का प्रयोग की आवश्यकता है। आफ्टर ऑल वी डू पजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। आखिरकार हमारे पास फिल्म निर्माण करने के प्राथमिक उपकरण है। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नॉट विथ अस्टैंडिंग। टेक्नीशियन की शिकायत विरोधी नहीं है। मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल। यांत्रिक उपकरण जैसे क्रेन शॉट और प्रोसेस शॉट उपयोगी हैं, बट बाय नो मींस इंडिस्पेंसिबल, लेकिन किसी प्रकार से अनिवार्य नहीं है। व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबव एवरीथिंग एल्स इज ए स्टाइल एंड इडियम ए सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। आज हमारे सिनेमा को सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है तो वह है एक शैली, एक विशिष्ट भाषा, सिनेमा के कलात्मक
प्रतीकों का अध्ययन, जो पहचान में अद्वितीय और भारतीय हो। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म आर रेपलिट विथ सच विजुअल डिसोनेंसेस। हमारे अधिकांश फिल्म दृश्य और शब्द विसंगतियों से भरे होते हैं। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसीज एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। लेकिन वास्तविक भारतीय फिल्म को वैसी विसंगतियों का स्पष्ट मार्गदर्शन करना चाहिए और इसके तत्वों को भारतीय जीवन के मौलिक पहलुओं में तलाश करनी चाहिए। वेयर हैबिट एंड स्पीच, ड्रेस एंड मैनर्स, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ब्लेंड इनटू ए अ हार्मोनियस होल। जहां आदत और बोली, पोशाक और ढंग, पृष्ठभूमि और अग्रभाग सुरीले रूप में मिलते हैं। इट इज ओनली इन ए ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए स्टाइल एंड कंटेंट दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स। यह मात्र शैली और विषय वस्तु का तीव्र सरलीकरण है जो भारतीय सिनेमा की अस्थिरता की आशा है या आशा करता है। एट प्रेजेंट इट वुड अपीयर दैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस गो अगेंस्ट सच अ सिंप्लीफिकेशन। वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग सभी प्रकार के विद्यमान प्रयोग वैसी सरलीकरण के विरोध में जाते हैं। स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट, पेंचांट फॉर कन्वोल्यूशन ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट रेदर देन द स्ट्रॉन्ग सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव, द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलायरिकल सिचुएशंस, द हैबिट ऑफ शूटिंग इनडोर्स इन अ कंट्री विच इज ऑल लैंडस्केप एंड एट अ टाइम वेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पायरेशन, ऑल दिज स्टैंड इन द वे ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। बिना पर्याप्त योजना के फिल्म निर्माण शुरू करना, कभी कभी यहां तक कि बिना शूटिंग हस्तलिपि के भी कथा वस्तु और प्रति कथा वस्तु को सशक्त बनाने के बजाय तोड़ मरोड़ कर तोड़ने मरोड़ने की प्रवृत्ति, सामान्यतः एक ही प्रकार से निर्देशित कहानी जहां गाने की जरूरत नहीं है वैसे जगहों पर गानों की भरमार करना, देश के अंदर जो कुल भूदृश्य है वहीं शूटिंग करने का आदत, और एक समय में जब दूसरे सभी देश प्रेरणा के लिए लेखियों की ओर मुड़ रहे हैं, ये सभी विशिष्ट शैली के विकास के मार्ग में खड़े हैं। देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्सेज ऑफ एन इनलाइटेंड अप्रोच इन अ हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म्स। हाल के कुछ मुट्ठी भर फिल्मों में ज्ञानयुक्त सोच की दुर्लभ झांकी रही है। इब्ताज धरती के लाल इज एन इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विथ स्टाइल ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। इब्ता के धरती के लाल एक सशक्त और सरल प्रसंग का या विषय वस्तु का उदाहरण है जो शैली, ईमानदारी और तकनीकी सक्षमता के साथ प्रस्तुत किया गया है। शंकर्स कल्पना एन इनिमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट शोज अ ग्रास्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट एंड अ रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन। शंकर की कल्पना एक अनुकरणीय और उच्च किस्म के व्यक्तिगत प्रयोग है जो फिल्मी आंदोलन की पकड़ और परंपरा
के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है। द रॉ मेटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, सिनेमा के लिए कच्चा माल जीवन खुद है। इट इज इनक्रेडिबल दैट अ कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग म्यूजिक एंड पोइट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। यह अविश्वसनीय है कि एक देश जिसने चित्रकला, संगीत और कविता को इतना ज्यादा प्रेरित किया है, वह फिल्म निर्माता को द्रवित करने में असफल हो जाए। ही हैज ओनली टू कीप हिज आईज ओपन एंड हिज ईयर्स, उन्हें केवल अपनी आंखों और कानों को खुला रखना है। लेट हिम डू सो, उन्हें ऐसा करने दे। और इस प्रकार से व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का भाव पूरा होता है। आशा करता हूं एक से दो बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूं आपके साथ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू।